सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। कंपनी की आज हमें लिस्टिंग होते हुए नज़र आई है, काफ़ी अच्छा शेयर अभी डबल हो गया, अभी लिस्टिंग के ऊपर ही 150 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ। और उसके बाद स्टॉक में 10% का सर्किट हमें देखने को मिला है और सीधा स्टॉक पहुंचा 165 रुपये के भाव में। जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो में आपको क्लियर बोला था जब इसका आई पी आया था कि स्टॉक देखो भाई कितने लोग कतार में लगे हुए थे, ठीक है, लेकिन आई पी ओ बहुत कम लोगों को मिला, ठीक है। 65 टाइम के आसपास आप लोगों ने टोटल सब्सक्रिप्शन मिला इस कंपनी को। और उसके बाद आप लोग देखोगे इसकी लिस्टिंग 80 रुपये के गेन पर हुई, ठीक है। कितना अच्छा लिस्टिंग गेन मिला, 150 के प्रीम जो भाव उसके ऊपर हमें लिस्ट होते हुए नज़र आया, काफ़ी शानदार। अभी लगभग 120% के प्रीमियम पर आई थिंक, तो काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हुई। और उसके बाद स्टॉक में एक बहुत अच्छा मूव आया और मैंने आपको जैसा कि बोला था कि स्टॉक में 10% का सर्किट लग सकता है, बिकॉज जिनको नहीं मिला वो अभी यहाँ पर खरीदेंगे। जैसे स्टॉक नीचे जाएगा थोड़ा बहुत वो नीचे के भाव से माल उठाएंगे, और वही हुआ। स्टॉक में सभी लास्ट में बाहर आते हुए नज़र आए, जिसको बेचना था बेच गए, लार्ज डील होते हुए नज़र आई थी। और लार्ज डील क्यों ना हो भाई, इस भाव में आप लोग देखोगे जो बड़े बड़े दिग्गज निवेशक कतार में लगे हुए थे उनको भी नहीं मिला, वो यहाँ से माल खरीदा है। तो हैवी क्वान्टिटी में आज के दिन हमें जो है बल्क डील देखने को मिली है, और बड़े प्लेयर ने यहाँ पर अच्छा भर भर के जो माल है वो अपने पोर्टफोलियो में रखा है। और बेचने वाले भी बहुत सारे थे क्योंकि 69 करोड़ की वॉल्यूम आई है। तो चलिए एक बार देख लेते भी कल का कैसा रहेगा माहौल इसका, क्या स्टॉक में अभी यहाँ से एक रेगुलर तेजी बन सकती है, क्या ये 200 प्लस के मूव हमें दे सकता है ऊपर में, या फिर स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। तो चलिए जानते डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे अभी इसका डाटा आखिरकार कैसा आया है। तो 70 रुपये का इसका ऊपरी इशू प्राइस था ना, उसके बाद आप लोग देखो 150 पर ओपन हाई, तो ये आपने देख लिया 146 तक के नीचे में भी आए ओपन होने के बाद। फिर उसके बाद तो जो तेज़ी बनी है वो आपके सामने, जिन्होंने खरीदा माल जम कर खरीदा। अभी टाइम देखोगे मार्केट प्राइस के ऊपर एक बिग बाय ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 40,83,202 क्वांटिटी का है, जो क्लियर संकेत दे रहा है कि इसकी पॉजिटिव ओपनिंग होनी है कल के दिन। तो चलिए डाटा तो बिल्कुल पॉजिटिव है, अब इसका चार्ट और देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे चार्ट 1-5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्टॉक में एक ज़बरदस्त एक्शन और लास्ट में तो अपर सर्किट में स्टॉक गया है। तो इस मोमेंटम के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, देखो भी जिसको रिस्क नहीं लेना है वो स्टॉप लॉस का सहारा ले सकते हैं, ठीक है, और स्टॉप लॉस जिसको लेना है वो ले सकता है भी। और जो लॉन्ग टर्म के लिए देखो, जो अगले 3 से 4 साल 5 साल का व्यू लेके चल रहा है इसके अंदर भी, मैं इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट करूँगा। और ये कंपनी देखो भाई बजाज फाइनेंस है, ठीक है, बजाज होल्डिंग्स है, उस तरह उस लेवल पर भी जा सकती है। और ये नहीं कह रहा कि मैं 2 साल में चली जाएगी 1 साल में चली जाएगी, टाइम लगेगा लेकिन उस लेवल तक जा सकती है भैया, ठीक है, फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है इसलिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 साल का, जिसका 3 से 5 साल का व्यू है, देखो भाई बीच बीच में उतार चढ़ाव मार्केट में आते रहेंगे, सभी को पता ही है, तो ठीक है स्टॉक भी ऊपर नीचे होता रहेगा, एक भाव पर तो नहीं टिकने वाला ये, या फिर एक तरफा तो रैली नहीं बढ़ने वाले इसके अंदर लगातार 3 साल में, तो ऊपर नीचे होता रहेगा। बट उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, 3 से 5 साल के लिए करना है तो, ठीक है, अपना पॉजिटिव व्यू रखो इसके ऊपर। और रही बात जो भाई लिस्टिंग गेन के लिए आया है, बेस्ट लिस्टिंग गेन, इससे अच्छा क्या मिलेगा भाई, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं अभी स्टॉक अभी चल रहे हैं इसके साथ साथ चलना चाहते हैं, तो वो स्टॉप लॉस का सहारा ले सकते हैं भाई, एसएल पकड़ के चलिए, अपने एसएल प्राइस पर आता है स्टॉक तो बेचो, क्या दिक्कत है। तो ये स्ट्रैटेजी आप लोग यहाँ पर बना सकते हो। तो कल के लिए जो भाई यहाँ पर स्ट्रैटेजी के सहारे चलना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा 160 के आसपास का सपोर्ट बन रहा है, इसे हम जो है अभी स्टॉप लॉस के तौर पर लेके चल सकते हैं, ठीक है, 160 का स्टॉप लॉस पकड़ेंगे 5 रुपये नीचे में, बस इतना ही रिस्क लेना है। इसके ऊपर में शेयर अगर आता है फिर से थोड़ा बहुत और ऐड कर लो, थोड़ा बहुत और खरीद लो, ठीक है, अगर नीचे जाए तो बेचो भाई। तो ये स्ट्रैटेजी आई थिंक ठीक रहेगी, स्टॉक जैसे जैसे और ऊपर जाता है तो साथ साथ चलिए भाई। अब तेज़ी के बारे में पूछेंगे कहाँ तक जाएगा भाई, जाने को कुछ भी नहीं है, क्या पता 180 200 प्लस निकल जाए, कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए साथ साथ चलते रहेंगे भाई। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते चलो, ये स्ट्रैटेजी इसके अंदर बेस्ट रहेगी। और बाकी कल पॉजिटिव ओपनिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है,
ठीक है 70% के करीब, बिकॉज आप लोग देखोगे एक बिग बाय ऑर्डर है भाई, ठीक है सेलिंग के लिए तो कोई है ही नहीं है, बाय ऑर्डर है, तो वो पॉजिटिव इसकी जो है भी ओपनिंग देगा और आज ही अपर सर्किट में लॉक हुआ है इसलिए भी इसमें तेजी बनेगी। ठीक है तो इसके अलावा अगर कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि स्टॉक रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। और इसके जो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स है वो आपने आई थिंक देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं कमेंट कर देना भी, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।